हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे पबजी बैन की। हमारी गवर्नमेंट ने जो है आज ही पबजी और उसके साथ 117 और ऐप्स, टोटल 118 ऐप्स को कर दिया है बैन। तो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी सदमे वाली खबर है ये, काफ़ी लोगों को बहुत दुख हुआ है कि पबजी बैन हो गई है। लेकिन मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाई है, वैसे मैं नॉर्मली पबजी से रिलेटेड कभी कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही था कि मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में या काफ़ी नोन ऐसे भी हैं जिनको भी काफी बुरा लगा है पबजी के बैन होने से। बट मोस्टली कई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं रहे कि इसका बैन होने का क्या फायदा है हमारी कंट्री के लिए। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं कि क्यों पबजी हुई है बैन और इसका क्या बेनिफिट होगा हमारी कंट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो ये सब बेसिकली स्टार्ट हुआ था जून से, जब सबसे पहले न्यूज आई थी कि 49 ऐप्स जो है गवर्नमेंट ने कर दिए बैन, जिसमें कि टिकटॉक को भी किया गया था बैन। और उसी वक्त जो है पबजी जो है वो गवर्नमेंट के रेडार पर आ गई थी, बट हालांकि उस वक्त वो बैन नहीं हुई थी। तो मोस्टली ये क्लियर हो गया था कि धीरे धीरे ये भी होने वाली है बैन। और सबसे बड़ा रीजन जो है पबजी को बैन करने का, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको किया है बैन, वो यही है कि जो प्राइवेसी है हमारी कंट्री की, वो जो है इसके साथ इन गेम्स की वजह से, चाइनीज जितनी भी ऐप्स हैं तो इनकी वजह से जो हमारी कंट्री की प्राइवेसी है उसको जो है काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और हमारा काफ़ी सारा डेटा जो है वो प्राइवेसी के नाम पे वो जो है सारा का सारा जा रहा है चाइना के पास। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था जिस वजह से पबजी हुई है बैन। और इसके साथ साथ काफ़ी और सारी ऐप्स भी, जैसे कि पबजी मोबाइल और पबजी लाइट और लूडो किंग, और इसके अलावा बहुत सारी ढेर ऐप्स हैं जिनकी लिस्ट जो है मैं एक बार अभी आपको आपकी लिस्ट पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है पूरी लिस्ट जिस प्रेस रिलीज में आज ये अनाउंस किया गया है कि ये ऐप्स है जो कर दी गई हैं बैन। इसमें टोटल 118 ऐप्स हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐप्स बैन हुई थी और इन फ्यूचर भी काफ़ी सारी ऐप्स बैन होती रहेंगी, जिनसे भी हमारी गवर्नमेंट को लगेगा कि हमारी कंट्री की प्राइवेसी के साथ जो है थोड़ा इसमें रिस्क है, तो उस वजह से इन ऐप्स को किया जाएगा बैन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इस ऐप के बैन होने का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस ऐप के बैन होने का वो यही है कि अभी तक जितनी भी चाइनीज़ ऐप थी ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी आपके डिवाइसेस में, और आपका जितना भी यूज़र सेंसिटिव डेटा था वो सारा का सारा जाता था चाइना के पास। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि पबजी जो है वो चाइनीज़ नहीं है, वो साउथ कोरिया की गेम है, लेकिन एक्चुअल में पबजी बनी साउथ कोरिया में थी, लेकिन चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट जो है पबजी मोबाइल वो ऑपरेट करते हैं, वो चलाते हैं। तो बेसिकली अगर आप जब भी जो भी पबजी खेल रहे हैं, और हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनका बेसिकली, कई लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीमिंग करते हैं इसकी, और वो उन्होंने काफ़ी इससे अर्न भी किया है, इसमें काफ़ी पैसा लगाया भी है। तो जो भी वो इसमें पैसा लगा रहे थे, जो भी कुछ परचेज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किन्स है, कुछ भी है, मैंने आज तक कभी नहीं खेली है गेम, बट मुझे इसके बारे में पता है कि जैसे इसमें काफ़ी इन ऐप परचेजेस भी होती हैं और लोग करते भी हैं, काफ़ी लोगों ने की भी है। तो वो जितना भी पैसा है वो सारा का सारा जाता है चाइना के पास, और वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा लॉस है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि जितने भी हमारी कंट्री का पैसा है वो जाएगा चाइना के पास। और अभी जो कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री और चाइना के बीच में, तो अभी जो रिलेशन है वो काफ़ी हीटेड है, और ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा अपनी कंट्री को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर हमारी कंट्री की प्राइवेसी ही करती है, और इनफैक्ट हमारी खुद की प्राइवेसी भी। तो इन ऐप्स को बैन करने का सबसे मेन रीज़न जो था गवर्नमेंट का, वो यही था कि ये प्राइवेसी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, और उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इन सभी ऐप्स को किया है बैन। इन्हीं के साथ साथ हो सकता है फ्यूचर में और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनको किया जाएगा बैन, जैसे कि यूएस ने भी टिकटॉक को जो है बैन करने के लिए इंडिकेशन दे दिया, बट हालांकि अभी उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने 90 डेज का टाइम पीरियड दिया है टिकटॉक को कि आप अपनी पूरी की पूरी कंपनी को जो है हैंड ओवर करें किसी भी यूएस कंपनी को, जिससे कि उनको जो है अपने डेटा की जितनी भी उनकी प्राइवेसी है, जो भी उनका डेटा है वो उनकी कंट्री में ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। तो अगर ऐसा कुछ कल को होता है, कोई चाइनीज कंपनी जो है एग्री कर जाती है इस चीज़ के लिए, तो शायद हो सकता है वापस ये आ जाए, बट जैसा अभी टिकटॉक का हुआ है कि अभी तक टिकटॉक वापस नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली शायद पबजी भी वापस नहीं आएगा। बाकी हो सकता है कि ये वाली जो ऐप है, जैसे कि जब टिकटॉक बैन हुआ तो कई लोग जो है वीपीएन के थ्रू उसको चला रहे थे, बट अब ये जो है वीपीएन के थ्रू भी शायद से नहीं चलेगी बिल्कुल भी, और अभी तो रिसेंटली ये आज हो या फिर कल शाम तक लोगों के फोनों में चलेगी, लेकिन मोस्ट लाइकली आज रात या फिर कल शाम तक ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, प्लीज़ आप डिसअपॉइंट ना होइए, कोई और अल्टरनेट आपको ऐप डेफिनेटली मिल जाएगी इसके अलावा। और आप जो है, मैं एक जो अपनी तरफ से अगर सजेशन मैं किसी को देना चाहूँगा, तो ये मैं उनको ये कहना चाहूँगा, कभी भी आप ये इन ऐप्स में जो है पैसा मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं तो नॉर्मली ये ऐप्स खेलता नहीं हूँ, बट अगर मैं जो गेम्स खेलता भी हूँ तो मैं उनमें कभी भी इन ऐप परचेजेस नहीं करता हूँ। अगर आप हार्ड कोर गेमर ही हैं जिनको पता है कि मेरा करियर ही गेमिंग में है, तो ही आप इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप ये गेम्स में पैसा मत लगाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, जिन्होंने पर्सनली काफ़ी स्किन्स या काफ़ी कुछ इसमें गेम में इन ऐप परचेज करा है और उनका काफ़ी लॉस हुआ है, तो अब वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शॉक में है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड है, मेरा करियर ही इस चीज़ में, तो ही आप इन गेम्स में पैसा लगाइए, अदरवाइज
इनमें पैसा लगाना जो है वो आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि नहीं पता कि कल को कब कौन सी ऐप जो है वो बैन हो जाए। और दूसरी बात, जब आप ये पैसा लगा रहे हैं तो इसका सारा बेनिफिट जो है वो जा रहा है चाइना के पास। तो इसी वजह से मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने पैसे को अननेसेसरी आप वेस्ट ना करें, यूटिलाइज करें किसी और जगह पे, और कोई और अल्टरनेट जो है इसके अलावा आप देख लें, जिससे कि आपको काफी बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जो भी लोग अभी डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो प्लीज डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि हमारी कंट्री की जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है। आप इसके अलावा काफी सारे आपको अल्टरनेट गेम्स मिल जाएंगे जिनको आप खेल सकते हैं, तो डिसअपॉइंट ना हो। और आज की वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।